बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। इसके लिए हमने ये बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। बीफ और मटन की सीख कबाब की रेसिपी सेम है, अगर आप चिकन लेते हैं तो उसके लिए रेसिपी फिर डिफरेंट है। आज मैं बीफ के कबाब बना रही हूँ तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने कीमा ज्यादा लिया है क्योंकि सीख कबाब से सिर्फ यही रेसिपी नहीं बनती कि आप सीख कबाब बस फ्राई करके तो प्लेट में सर्व कर दें, या फिर आजकल कबाबी मसाले का बड़ा ट्रेंड हो गया, हर घर में बहुत डिश ये बन रही है, आसान होती है। सिर्फ यही दो डिशें नहीं बनती हैं सीख कबाब से, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, बन सकती हैं, और इनको बहुत से तरीकों से सर्व किया जाता है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ये रेसिपीज जैसे जैसे मैं अपने घर में यूज करूंगी सीख कबाब को, मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूंगी। तो ये मैंने 2 किलो कीमा लिया है ताकि मैं इसको बना के फ्रीज कर लूं और मेहमान आए तो मैं डिफरेंट रेसिपीज इससे तैयार कर सकूं। 2 किलो बीफ का कीमा है, इसमें फैट बहुत ही कम मिकदार में है, फैट बिल्कुल फैट फ्री कीमा नहीं लेना है, थोड़ा सा फैट इसमें शामिल है। हमेशा याद रखें चप्पल कबाब के लिए आपको ज्यादा फैट चाहिए होता है कीमे में, और सीख कबाब के लिए थोड़ा फैट चाहिए होता है, लेकिन बिल्कुल अगर आपका रूखा कीमा होगा बिल्कुल फैट फ्री होगा तो उससे आपके कबाब टूटेंगे, ये लाजमी इसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, मसाले हैं इसमें क्योंकि 2 किलो है तो 2 चम्मच मैंने नमक के लिए 2 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून कोरिएंडर है, ड्राई कोरिएंडर, और 2 टीस्पून मेरे पास चिलीज है, रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास 1 टेबलस्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। ठीक है, धनिया को और अजवाइन को मैं हल्का सा क्रश करके डालूंगी, बाकी चीजें ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, और ये सब्जियां हमारे पास हैं, प्याज मैंने 3 दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, बहुत ज्यादा प्याज इसमें नहीं जाएगा, और लहसुन 1 पूरा मैंने ले लिया है, और 5-6 हरी मिर्चें हैं हमारे पास, और अदरक भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये सब साथ ही ये मेरे पास बेसन है, 1/2 kg में 1 टेबलस्पून बेसन का जाता है, तो ये मैंने क्योंकि 2 kg है तो मैंने 4 टेबलस्पून बेसन ले लिया। ठीक है, ये हो गई हमारे इंग्रेडिएंट्स, और अब हमने कीमे का क्या करना है। कीमा आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा बारीक नहीं है, इस कीमे को और इन सब सब्जियों को या तो मैं चॉपर में फेरूंगी एक दफा अच्छी तरह ताकि ये स्मूद हो जाए। अब चॉपर जिनके पास नहीं है वो कीमे वाली मशीन में भी निकाल सकते हैं, मेरे पास कीमे वाली मशीन है क्योंकि आपको पता है मेरा फ्रोजन फूड का काम है, तो मेरे पास कीमे वाली मशीन है, मैं उसमें इसको एक दफा दोबारा निकाल दूंगी कि ये कीमा ज्यादा जो है स्मूद हो जाए ताकि इसके कबाब टूटे ना। कीमा अगर मोटा होगा तो आपके कबाब टूटेंगे। साथ ही मैं ये सब्जियां भी इसमें से निकाल लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर और कीमे वाली मशीन दोनों ही चीजें नहीं है तो आप जब गोश्त लेने जाएं तो आप लहसुन प्याज जो है वो घर से बना के तैयार करके लेके जाएं काट के, और कीमे के साथ ही आप निकलवा लें, और बारीक मशीन से कम 2 दफा आपने कीमा निकलवाना है वरना आपके कबाब टूटेंगे। अब मेरे पास कीमे वाली मशीन है, मैं उसमें ये निकाल लेती हूँ। ये कीमा हमारा बारीक हो चुका है और सब्जियां भी सारी मैंने साथ ही पीस ली हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं, ये बेसन जा रहा है इसमें, और ये मसाले सारे हमारे ये भी चले गए, और ये मैंने 2 टेबलस्पून ये क्रीम ली है, आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमारे जो है ना कबाब वो जूसी और ऐसे मलाई की तरह मुलायम बनेंगे। तो अब हम इसको अच्छी से मिक्स कर लेते हैं। कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह टोकरी में रख के आपने इसको ड्राई करना है, और प्याज और हरी मिर्चें इनका भी पानी अच्छी तरह से आपने निकाल देना है, फिर बाद में सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं। यस,
आज ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कितना स्मूथ है, कोई इसमें कीमे के चंक्स या प्याज वगैरह के चंक्स नजर नहीं आ रहे। अब आपकी मर्जी है, जो आप इस स्टेज पे इसको चेक कर सकते हैं फ्राई करके। इसका नमक मिर्च आपको अगर कम लगे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसको सीखों पे कोयलों पे बनाएं या आप इसको फ्राई करें पैन में डाल के, या आप इससे कोई भी रेसिपी तैयार करें, तो ये हमारे पास तैयार है। इसके लिए ये मैंने सीख एक ली है, इस तरह मैं इसको तैयार कर लूंगी। ये देखें, अब ये आप इसको बिल्कुल हिला के देखें अच्छी तरह से। अगर आप इसको कोयलों पे भी बनाएंगे बारबेक्यू में भी, तो ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कीमा मुलायम किया अच्छी तरह, बारीक किया कीमे को, और हमने इसमें मलाई ऐड की है और फैट प्रॉपर मिकदार में है, एक्स्ट्रा फैट नहीं है इसमें। ये देखें व्यूअर्स, हमारे कबाब तैयार हैं। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप ये कबाब बगैर ऑयल के फ्राई कर सकते हैं। आज मैं आपको कबाब फ्राई करके दिखाऊंगी पानी में, ठीक है? ये तरीका आपने शायद ही कहीं देखा होगा, तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैन में ये ऑयल नहीं, पानी डाला हुआ है। ये पानी है, ऑयल नहीं है। इसके अंदर अब मैं एक एक करके ये कबाब रख देती हूँ। जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं और फ्राइंग से परहेज करना चाहते हैं, तो वो ये रेसिपी फॉलो करें। और जो नहीं भी डाइट कर रहे, अगर वो भी ये रेसिपी फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह उन्हें इतनी पसंद आएगी कि वो फिर कबाब फ्राई करना ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें थोड़े से और डालते हैं, या जितने आ सकें पैन में उतने डाल के। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे और पानी ड्राई होने तक हमने इसको पकाना है। आप पानी देख सकते हैं कि जिस तरह शैलो फ्राई के लिए ऑयल होता है, उसी तरह ये पानी है, नीचे नीचे है। आधे आधे कबाब इसमें डिप हुए हुए हैं, पूरे डिप नहीं हुए हुए। तो अब हम इसको ढक देंगे, ये अपनी स्टीम में बनेंगे। ये देखें, इसका पानी ड्राई हो गया है। अब हम इस तरह पैन को हिला हिला के और इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसका जो फैट रिलीज हुआ है, उसी में ये फ्राई हो जाएंगे। एक्स्ट्रा आपने इसमें ऑयल या घी नहीं डाला। इसका पानी ड्राई हो गया है और ये अपने ही फैट में फ्राई भी हो गए हैं। अब थोड़े से मैंने इसमें से निकाल लिए थे, क्योंकि रस ज्यादा मच गया था तो वो टूटना शुरू हो गए थे। अब ये थोड़ा सा मैंने प्याज काटा है रिंग्स इसके, ये थोड़ा सा डाल के मैं इसमें हल्का सा फ्राई करूंगी इसको। इसमें भी आपने ऑयल नहीं डालना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ऐसे ही हम साइड पे इनको कर देंगे, ये थोड़ी देर में फ्राई हो जाएंगे। चंद सेकंड बस हमने इनको ना पकाना है प्याजों को। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये डिश आउट कर ली है। अब बस यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। यहाँ पे हमने ये कोयला दिखाया हुआ है, हमने ये इधर रखेंगे हम इसको। थोड़ा सा हम इस पे ऑयल डालते हैं और इसको ढक देते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको ढक के रखना है। तो उसके बाद तब तक इसमें स्मोक की खुशबू आ जाएगी और आपको लगेगा कि आप बारबेक्यू खा रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारे बगैर ऑयल के फ्राई किए हुए कबाब तैयार हैं। इनमें बिल्कुल भी आपने देखा है ऑयल नहीं इस्तेमाल हुआ, फैट फ्री हैं, ऑयल फ्री हैं। और जितना इनके अंदर फैट हमने डाला हुआ था कीमे के साथ, वो सारा इसमें से निकल गया हुआ है। बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही जो है मज़ेदार भी हैं।
और आप अपने मेहमानों को भी, ना सिर्फ खुद आप ये डाइटिंग में खा सकते हैं बल्कि आप अपने मेहमानों को भी खिलाएं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने बगैर ऑयल के बनाए हुए हैं। बहुत मज़े के बने हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।